अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कि मेरा मक्का का व्लॉग है, जो मेरा होटल था एम मिलेनियम के उसके बाहर का रोड है। ये हम पानी लेकर जा रहे हैं, ये मेरे फादर ने ये पानी लेकर जाने हैं बिल्लियों के लिए, क्योंकि हमारे होटल के बाहर बहुत सारी बिल्लियां थीं जिनको हमने देखा कि वो बहुत भूखी थीं, बहुत प्यासी थीं, उनको लोग कोई कुछ देता भी नहीं था और बहुत दुबली पतली सी हो गई थी। तो हमने उनके लिए पानी वगैरह लिया, उनके लिए खाना वगैरह लिया। ये हम सब लेकर जा रहे हैं ऊपर, और अभी हम काफ़ी थक चुके थे क्योंकि हम बाहर गए थे सामान वगैरह लेने। तो फिर हम अपने रूम की तरफ गए और जाके हमने थोड़ा आराम वगैरह किया। वो क्लिप मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हम जाकर सो गए थे, हम बहुत थके हुए थे। फिर हम लोग वापस नीचे आए और मैं मेरे डैडी के साथ वापस नीचे आई। हमने आके नीचे बिल्लियों को खाना दिया, और इन बिल्लियों की मैं आपको ख़ास बात बताती हूँ। इनकी ख़ास बात यह है कि ये एक दूसरे को ना खाने नहीं देती, मतलब इनको ये होता है कि बस हमें खाना डाल के दो, हम ही खाना खाएंगे, दूसरा कोई खा नहीं सकता। तो अभी आप आगे देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे के लड़ने शुरू हो जाएंगी। काफ़ी सारी बिल्लियाँ साइडों में ही खड़ी हुई हैं डर के मारे कि हम आगे आएंगे तो दूसरी वाली हमें मारेगी। और दूसरी तरफ हमने इनके लिए दूध भी रख दिया था कि कुछ वहाँ जाके दूध पी लें और कुछ खाना खा लें ताकि ये आपस में लड़े नहीं, क्योंकि हम ये दूसरी तीसरी दफ़ा आकर इनको खाना खिला रहे थे। क्योंकि पहली दफ़ा में इन लोगों ने यही किया कि ये आपस में लड़ना शुरू हो गए जब हमने थोड़ा सा खाना डाला। तो फिर हमने नेक्स्ट टाइम ये सोचा हुआ था कि जब अब हम आएंगे तो हम आधा जो है वो दूध डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम इनको खाना डाल देंगे ताकि ये आपस में लड़े नहीं। लेकिन तब भी ये आपस में लड़ ही रही थी, एक दूसरे को मार ही रही थी। जैसे अभी ये ग्रे वाले ने उसको सामने वाले को मारा है वो उसको खाने नहीं दे रही, तो वो देखे दूर हो गई फौरन डर के मारे, क्योंकि उसको ये होगा कि अब मैं करीब जाऊँगी तो ये मुझे मारेगी। अच्छा, अब ये जो बिल्ली थी ना, ये बहुत दूर से बैठी हुई मैं इसको देख रही थी, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी। इतनी क्यूट सी थी, बिल्कुल मासूम सी, और ये बस एक तरफ। आई थिंक इसका ना एक और पेयर था, इसकी एक फ़ीमेल भी थी, ये मेल था। ये प्यारी लग रही, इतनी काम लग रही, और ना एक तरफ बैठी, तो मैं इसको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही, बट वो इतना ज़्यादा मुझे ना वो नहीं भाव नहीं दे रही थी, वो मुझे इग्नोर मार रही थी, क्योंकि मैं तो उसके लिए नई एक पर्सन थी ना, बस जस्ट मैं उसको खाना डाल रही थी। तो यहाँ पर हम बिल्लियों को खाना देने के बाद अपने रूम की तरफ वापस आ रहे थे। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।